शाहजहाँपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कार सवार चार बदमाशों ने फायरिंग कर शिक्षक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक शिक्षक के पास की स्कूल में शिक्षिका से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं इस प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका शिक्षक के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। थाना निगोहे के अजीजपुर गांव में वहाँ एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें सत्येंद्र कुमार शर्मा अध्यापक हैं, उनकी आज सुबह जो है अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रेम प्रसंग का प्रकरण सामने आ रहा है, गहराई छानबीन की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर में बिजनौर बदायूं मार्ग पर जिला कारागार से पेशी के लिए मुंसिफ कोट चांदपुर आ रही पुलिस वैन ट्रक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक महिला कांस्टेबल, वैन चालक सहित तीन पुलिसकर्मी और एक महिला सहित तीन बंदी घायल हो गए हैं, जिन्हें मौके पर पहुंची यूपी 100 पुलिस ने उपचार के लिए बिजनौर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सियाऊ भेज दिया है। सर आपका नाम? नरेंद्र सिंह। ये जो गाड़ी पलटी हुई आई है पुलिस वाले, क्या मामला है? ये गाड़ी पलट गई है, ये हमारे पुलिस वाले भी बिजनौर से आ रहे हैं, मुंजिम वगैरह लेकर, तो उनकी गाड़ी पलट गई है, किसी ने टक्कर मार दी है। कितने घायल है लगभग? तो इनके चोट, तीन चार लोगों के काफ़ी चोट आई है, हाथ में इनके सभी के एक्सरे हुए, लगभग एक्सरे कर रहे हैं, लगातार पट्टी बांध रहे हैं, क्रेप बांध दी है हमने, तो जो सुविधा दे सकते हैं पूरी सुविधा हमने दे दी यहाँ से। सर आपका नाम? ओमकार सिंह। कौन सी पोस्ट में सर? हेड कांस्टेबल। क्या मामला हुआ है? जो मामला कुछ नहीं, उधर से हम आ रहे थे मुंजिम लेकर, इधर से एक ट्रक जा रहा था, ट्रक जो थोड़ा साइड से मार गया, जैसी गाड़ी हमारी कच्चे में गई, कच्चे से पक्के पाई, दो तीन वो गाय पलटे, उसने पलट गई गाड़ी। सर कितने घायल है इसमें? घायल तो इसे 6-7 है। मुलजिम कितने थे सर? तीन मुलजिम थे, एक महिला, दो पुरुष। मुलजिम कितने घायल हैं? मुलजिम काफ़ी चोट है, गुम चोट लगी है। पुलिसकर्मी कितने घायल हैं? पुलिसकर्मी 5-6 घायल हैं। टोटल कितने पुलिसकर्मी थे? 7 थे। खबर यूपी के मुरादाबाद से, जहां मूंढा पांडे विकास क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में शिक्षा बदहाल है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से मिड डे मील खाने के बाद जूठे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमन। अमन, ये बताइए आप बर्तन रोज धोते हैं ऐसे खाने के बाद में? अच्छा, क्या स्कूल से आपको पत्र नहीं मिलता खाने के लिए, अलग से लेट आती है स्कूल के डिस्पोजल की? नहीं मिलती है ना, आप अपने घर से ही बर्तन लेके आते हो? अपने घर से लेकर आते हो ना बर्तन ये सारे? मिलती हैं। तो फिर आप बर्तन कैसे धो रहे हैं यहाँ पर? क्यों प्लेट धोने वाला नहीं है स्कूल में यहाँ पर? जो बच्चे खाते हैं यहाँ पर खाना नहीं, अभी तक आप ही धोते जा रहे हो अपने हाथ से। कितने समय से स्कूल में पढ़ रहे हो आप? 5 मिनट। कितना टाइम हो गया पढ़ते हो, जब से ही आप बर्तन धो रहे हो यहाँ पर? क्या नाम है? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? अच्छा, क्या आप बर्तन रोज धोते हो इस तरीके से अपने हाथ से ही? अच्छा, क्या स्कूल की तरफ से बर्तन नहीं मिलता आपको खाने के लिए पत्र? मिलता तो आप फिर बर्तन क्यों धो रहे हैं यहाँ पर नल पर? किसने बोला था आपसे? बुलंदशहर में पुलिस का शूटआउट ऑपरेशन जारी है। लगातार 5वें दिन आज फिर पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिनमें दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। जबकि खुर्जा में ट्रक लूटकर भाग रहे चार कार सवार बदमाशों ने एक सिपाही को गोली मारकर घायल कर दिया है। वही पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक बाइक, एक कार, 7 तमंचे, कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है पूरा? आज देर रात्रि में अभी थाना खुर्जा नगर की पुलिस NH-91 पे गश्त कर रही थी, अचानक वहां पर मोनू नाम के ट्रक ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि उसके साथ चार बदमाशों ने लूट की वारदात कर दी है, जिसमें ट्रक लूट लिया है। पुलिस तुरंत सक्रिय हुई, खुर्जा नगर की पुलिस और अगल बगल की पुलिस को सक्रिय किया गया, बदमाशों का पीछा किया गया, ट्रक बरामद हो गया, बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश अरेस्ट हुआ है और मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी, जिसका नाम समीर है। एक हमारा पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। 3 बदमाश अभी भागे हुए हैं, काम भी की जा रही है, कई थानों की फोर्स लगाई गई है, जल्दी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे उन लोगों को। सर, एक जहांगीराबाद थाने में भी एक मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है? आज ही रात में जहांगीराबाद पुलिस को भी सफलता प्राप्त हुई, जिसके तहत जहांगीराबाद इंस्पेक्टर चेकिंग कर रहे थे, अचानक सूचना प्राप्त होने पर उन्होंने एक मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया
मोटरसाइकिल वाले रुके नहीं और फिर मुठभेड़ हुई, उन्होंने फायरिंग कर दी पुलिस के ऊपर, पुलिस ने भी फायरिंग की जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और एक बदमाश मौके से फरार हुआ। घायल बदमाश का नाम धर्मपाल है और धर्मपाल के कब्जे से 6 तमंचे बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि वो शस्त्र फैक्ट्री का संचालक है, उसकी निशानदेही पर उसके घर से शस्त्र फैक्ट्री के तमाम उपकरण बरामद हुए हैं, अदम्य तमंचे बरामद हुए हैं। उसका एक आपराधिक इतिहास है, पहले से उसके ऊपर 6 मुकदमे हैं, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और दूसरे अभियुक्त की तलाश भी की जा रही है। क्या नाम है आपका? पंकज। क्या करते हो पंकज? ड्राइवरी। क्या चलाते हो? टेलर। क्या हुआ आपके साथ में आज? अपना पैसे ऐसे छीन के लेके गए सारा कुछ और पर्स सर सारा कुछ ले गए, फिर उसके बाद तमंचा रख दिया हमारे आगे, वो फिर मेरे गले पे वो पैर दबा दिया उसने, वो नीचे दूसरा लड़का था उसको अलग नीचे ले गए। फिर क्या हुआ? उसके बाद पुलिस की गाड़ी आ गई, उसके बाद गांव वाले थे उन्होंने कही कि आप यहाँ खड़े हो तुम, वो पुलिस वाले नहीं आते तो हमें मार देते वो आज। अच्छा, अब ट्रक पकड़ गया पुलिस ने? पकड़ा। हाँ, पुलिस वालों के पास थी हमें चाबी अभी उनकी, वो लेके गए कि यहीं रहो तुम। अच्छा, कितने बदमाश थे? 3 थे, 3। क्या नाम है? समीर नाम है सर। कहाँ के निवासी हैं? सर बुलंदशहर के। कहाँ लूट करने आई थी, क्या मामला था? सर खुर्जा लेके आए थे वो मेरे को। कौन लाया था? सर वो 3 थे सर, विजय, नौशाद, निजाम, वो मेरे को अपने साथ लेके आए थे ज़बरदस्ती, और उन्होंने मेरे को कहा कि ट्रक के पीछे गाड़ी लगा दो, मैंने ट्रक के पीछे सर गाड़ी लगा दी। उन्होंने मेरे को बोला कि अगर पुलिस वाले आते हैं तो ये बोल देना, जैसे पुलिस की जीप से आई मैंने उनको बोल दिया कि सर गाड़ी ख़राब हो रखी है, ठीक करने आए हैं। तो जैसे ही सर जिप्सी आई तो वो कूद के भागे, मैं भी गाड़ी लेके भाग गया सर जी, वो फिर गाड़ी का अनबैलेंस हो गई, वो एक्सीडेंट हो गई सर ओपलेस हो के, और फिर मैं खेतों में भागने लगा सर जी, तो जब सर ने मेरे को पकड़ लिया था। पूरे रास्ते में और भी कहीं लूट की आपने? नहीं सर, और कहीं नहीं करी, यही लूट का अंजाम दिया आपने? जी सर। वहीं मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने डकैती योजना बनाते 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहे, जिन्हें पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कह रही है। गिरवाई के अंतर्गत एक डकैती की योजना बनाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें 2 लोग भागने में सफल रहे हैं, और फिर उनसे गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने गिरवाई में कुछ दिन पहले एक परिवार है उसको बंधक बना के लूट की थी उनके यहाँ, तो वो भी मामला इनसे ट्रेस हुआ और उसमें जो मसरूका गया था वो पूरा बरामद हो गया। और निश्चित रूप से ये बड़े हार्डकोर क्रिमिनल हैं, इनका रिकॉर्ड है, इनसे एक कट्टा जब्त हुआ है, 2 सब्बल मिले हैं, 1 छुरा मिला है। ये तो जो वारदात प्लानिंग चल रही थी, ये पता लगा था एक पेट्रोल पंप है कोई वहाँ पे, आए साहब इधर, एक पेट्रोल पंप है उसको ये लूटने का प्लान कर रहे थे, और फिर इनसे पूछताछ की गई तो ये भी पता लगा ये डबरा में भी एक घटना करने वाले थे। किस तरह धरपकड़ की गई इनकी? एक इनपुट था SP सर को, फिर वो CSP साहब समीर सौरभ साहब उनके मार्गदर्शन में पूरी टीम काम कर रही थी, तो उन लोगों ने इनको पकड़ा और फिर इनसे गहन पूछताछ की। हाँ, उनको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया। एक वृद्ध ने भी जहर खा के